अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से GBOB की वेंडर साइट तक रीच करेंगे। प्रैक्टिकली गाइड करूंगा किस तरह से मैसेजेस करने हैं, मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो यूज़र हैं वो GBOB का काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास PC लैपटॉप नहीं है, वो जस्ट मोबाइल फ़ोन ही यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप GBOB का काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि वेंडर साइट तक रीच करना सबसे पहला मेन काम होता है GBOB में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बगैर आपने एंड तक बात करना है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, कहने चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी आपने लाइक लाजमी करना। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अब आपको नीच वगैरह सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक वेबसाइट जिसकी मदद से हम ये सब काम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत आसानी के साथ। आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करना है, कोई भी ब्राउज़र, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, कुछ भी यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम, आपने जस्ट उसको करना है ओपन। अब जैसे ही ओपन करेंगे आपने लिखना है ड्रॉप माई लिंक। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये एक ऐसी वेबसाइट है, ये आपको रीडायरेक्ट करेगी उन वेबसाइट पर जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपने बनाना है अकाउंट, और बोनस स्टेप ये है कि आपको इसके लिए, और ये सीक्रेट है, बताना किसी को नहीं, कि आपने यहाँ पर कोई भी रैंडमली ईमेल दे सकते हैं, ये नहीं कि आपको कोई रियल ईमेल देनी है। जस्ट सपोज़ मैं आपको बता देता हूँ, ABCD@gmail.com, 1234@gmail.com, कुछ भी लिखेंगे ये कोई वेरिफिकेशन नहीं करती, क्योंकि अगर आप रियल ईमेल देंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देगी। हमारा मेन काम इस वेबसाइट तक जस्ट ये रीच करना है कि एक्चुअली में कौन सी वेबसाइट है जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है। अपने अकाउंट बना लेना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद ईमेल दे देनी है, कोई पासवर्ड क्रिएट करें, और पासवर्ड वो क्रिएट करें जो आपको याद भी रहे, क्योंकि आपने रिपीट पासवर्ड में भी, कन्फर्म पासवर्ड में भी सेम एज इट इज़ वैसे लिखना है। अकाउंट आपका बन गया, अब आपको ये तीन ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले तो आपने कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेनी है, मतलब ये कि आप कमेंट्स बैक लिंक चाहते हैं, गेस्ट पोस्टिंग चाहते हैं, तो हमारा मेन टॉपिक गेस्ट पोस्ट है तो हम और किसी पे नहीं जाते, लेकिन लोग कमेंट्स बैक लिंक भी बनाते हैं अपनी वेबसाइट को ग्रोथ करने के लिए। वो कैसे, सपोज़ करें एक वेबसाइट है बैक लिंक हो, एक फेमस वेबसाइट है, और एक्चुअली मैं जितनी वीडियो बनाया मैंने सबको समझाने के लिए इसी वेबसाइट की एग्जाम्पल दी है। तो मैं कमेंट्स करता हूँ बैक लिंकों पर, तो कोई भी रीडर आता है तो हो सकता है वो मेरी वेबसाइट पर भी जा सकता है रीडायरेक्ट लिंक, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक, मैंने एक कमेंट्स बैक लिंक बनाया हुआ। तो उसके बाद आपने नीचे सेलेक्ट कर लिया, और इसके अलावा आपने कंट्रीब्यूटर भी, हम सपोज करें कंट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब गूगल ने हमें वो लिस्ट प्रोवाइड कर दी जिन वेबसाइट में रिव्यूज़ लिखा हुआ है कि ये वेबसाइट ऐसी हैं जो आपको अलाउ करती हैं गेस्ट पोस्ट लिखने के लिए। अब हम यहाँ तक, इन वेबसाइट तक रीच करेंगे, अब कैसे करेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने इनका कॉन्टैक्ट अस पेज फॉलो करना है। अब आप कहेंगे कि यार कॉन्टैक्ट अस पेज बहुत सारी वेबसाइट का नहीं हमें नज़र आता, तो आपने घबराना नहीं है, आप सेपरेट भी लिख सकते हैं। सपोज करें एक वेबसाइट है, वेबसाइट के बाद आपने अंडरस्कोर, उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट अस लिखना है, तो ऑटोमेटिकली आपको वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस पेज भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई सोशल नेटवर्क मिल जाता है जैसा कि फेसबुक वो यूज़ करते हैं, या इसके अलावा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी मिल जाता है, लिंक्डइन, तो आप सॉरी वो भी फाइंड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसका इनका कॉन्टैक्ट अस पेज ले लेना है, और इनको मैसेज करना है। मैसेज किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करें हम लिख रहे हैं कि हाय, आई सॉ दैट यू आर एक्सेप्टिंग दी गेस्ट पोस्ट, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आती तो आप, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें ईमेल टेम्पलेट दिए थे, आप वो ईमेल टेम्पलेट भी उनको सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ही आपने करना है। थोड़ी बहुत आप इंग्लिश अगर गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं तो उससे भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने करना है डे बाई डे, आप लिस्ट बना लें गूगल शीट पे, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे रिजल्ट मिलने वाला है। ऐसे आप अपनी वेबसाइट की ग्रोथ भी कर सकते हैं, क्लाइंट की वेबसाइट भी ग्रोथ, और इससे आपकी मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग भी इंप्रूवमेंट होगी। तो ये थी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भी जब सब्सक्राइब भी कर दे, तो मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।